हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे इमली की चटपटी सी चटनी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्ची इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इमली को अच्छी तरह से छील लें। सारी इमली को अच्छे से छील लेने के बाद अब हम यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 8 से 10 हरी मिर्चें भुनी हुई, कोथमीर और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। इन सब मसालों को अब हम हमाम दस्ते में ऐड कर देंगे। हम इस चटनी को हाथ की मदद से पीसेंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसलिए हम इसे मिक्सर में नहीं पीसेंगे। ये देखिए कितना जल्दी से हमारी चटनी पीसकर तैयार हो रही है। एक एक इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इस चटनी को पीस लेंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे बिल्कुल बारीक चटनी की तरह पीस लेना है। ये चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर आसानी से तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी चटनी पीस चुकी है। हमाम दस्ते में पीसने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार आया था। आइए इस चटनी को सर्व करते हैं। ये देखिए इसका कलर भी कितना बेहतरीन लग रहा है। ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार बनी थी। अब हम यहाँ पर जवारी की रोटी बना लेंगे। आप इस चटनी को जवारी की रोटी या फिर गेहूँ की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस रोटी को बनाना भी बहुत ही आसान है। आटा गूंद के इसका एक छोटा सा पेड़ा लीजिए और इसे हल्के हल्के हाथों से बड़ी कीजिए। ये देखिए इतनी सी राइस की रोटी बनानी चाहिए। अब हम यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस पर रोटी ऐड कर देंगे और इस पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे चारों तरफ से और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक सेक लेंगे। 2 मिनट बाद इसे पलटा कर पीछे से सेकें। बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ से सेकनी चाहिए और पलटा कर भी सेक लें। ये देखिए हमारी जवारी की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे चटनी के साथ सर्व कर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना देखनी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब